वेलकम बैक टू माय चैनल राधा रजवंशी ब्लॉग एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो देख सकते हैं आज रेडी हो गए हैं ये साड़ी पहन के, जो बोले थे कि तिरंगा वाला साड़ी पर फोटोशूट लेके आएंगे उसके लिए रेडी हुए हैं। तो कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। ईयरिंग्स तो वहीं वाला डाले हैं क्योंकि यहीं अच्छा लग रहा था, ऑरेंज कलर का यहीं एक था मेरे पास, बट साड़ी बहुत सुंदर लग रहा है गाइस, देख सकते हैं। साड़ी का जितना तारीफ करें ना उतना कम है, बहुत खूबसूरत साड़ी आया है। इसका फैब्रिक ऑर्गेंजा जैसा है बट बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, देख सकते हैं आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से। और चलिए फोटो सिटी इस पर शेयर करेंगे तो देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा गाइस, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर हम नया लुक क्रिएट करें बहुत मेहनत से, देख सकते हैं चोटी वगैरह सब लगाए हैं आर्टिफिशियल वाला, तो हम चाहते हैं आप लोग को ढेर सारा प्यार भी दें ताकि और भी बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो लेके आएँ आप लोग के लिए। तो एक बस ये हो गया कि मेरे को ब्लाउज वाइट पहनना था, बट फिर वाइट और कॉटन दोनों में से कोई कलर नहीं था, अपने कल ग्रीन कल से ग्रीन डालनी है, नहीं तो अगर वाइट रहता तो बहुत ही सुंदर लुक आता और भी ज़्यादा प्यारा लगता, बट कोई अभी भी अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगता है, बहुत ही सुंदर साड़ी है। तो चलिए ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, पहले जा रहे हैं और फोटोशूट कर लेते हैं। फोटोशूट वाले चैनल पे देखिएगा बहुत ही प्यारा प्यारा फोटो आएगा, ठीक है। ये वाला बैकग्राउंड पे ना बहुत ही प्यारा प्यारा फोटो आता है, तो कुछ हम सोचे शॉर्ट्स जो है ये वाले बैकग्राउंड पे आप लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए कुछ जल्दी जल्दी शूट कर लेते हैं और लोलो फील हो रहा है, इसीलिए लग रहा है कि हम सो जाएं, तो ज़्यादा शूट आज नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत ही करेंगे बट हाँ उतना करेंगे कि आप लोग को हेल्प हो जाए, ठीक है। और इसलिए आज ही करना पड़ा क्योंकि आज 10 तारीख हो चुका है, ज़्यादा दिन है नहीं मेरे पास कि हम एक दो दिन बाद शूट करेंगे, तो शूट करेंगे तो कब अपलोड करेंगे, एडिट कब करेंगे, ये सब प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए कैसे भी आज ही करना था। और सच में ये साड़ी ना, इस कपड़े में साड़ी जरूर एक हम मंगवाएंगे, बहुत ही सुंदर पहनने पे, इतना लाइट वेट है ना और बहुत ही खूबसूरत लुक भी आ रहा है, तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो गाइज, यहाँ पे बहुत सारा पार्सल आया था मेरा, और क्या हुआ क्या रीज़न था जो मतलब इतना हम सैड हो गए, वो सब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में हम बताएंगे गाइज। इसमें मौका नहीं मिला बताने के लिए इसलिए हम नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर करना था मेरे को। और फिर ये सुबह का क्लिप है, उसके बाद हम कुछ भी शूट नहीं किए, मूड ऑफ हो गया था, तो फिर सुबह सुबह यहाँ हम जल्दी जल्दी से अपना किचन में आ गए नाश्ता रेडी करने के लिए। और आज मेरे ससुर जी आने वाले थे बाबा धाम से, और उनको गए हुए 5-6 दिन हो गया था, 5-6 दिन बाद आ रहे थे वो, और एक्साइटेड थे कि क्या क्या लेके आएंगे हम लोगों के लिए, तो वो हम आप लोगों को दिखाएंगे क्या क्या लेके आते हैं, वो तो आपको आगे दिखेगा ही। और आज खाना में क्या था, तो भुंजिया था और जो एक पत्ते का सब्जी बनता है वो था, तो यही दोनों चीज़ बना था। सूट किए हैं नहीं हमको याद ही नहीं है, क्योंकि सब लोग आ गए उसी टाइम पे, इतना मतलब हो गया ना, अगर कोई कहीं से आता है तो हम उसी में लग जाते हैं, तो वहीं हो गया था, तो इतना ही देर जितना देर कोई नहीं था हम सूट किए यहाँ पर। उसके बाद मेरे ध्यान में नहीं है कि हम क्या सूट किए हैं क्या नहीं, तो चलो देखो आप लोग भी, आप लोग को भी अच्छा लगेगा ब्लॉग, क्योंकि बाबा धाम से क्या क्या लेके आए वो आप लोग देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। बहुत बढ़िया जगह है घूमने लग जगह, तब हम बाद में चलते और क्या करते, तुम्हें कुछ मिली नहीं रहता, अरे हाँ मौत चलो देख ये बेटर ले आती है दिखे बढ़िया हेलो
बढ़िया बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सो गाइज यहाँ पे ससुर जी आ गए थे बाबा धाम से, और क्या क्या लेके आए वो सब कुछ आपको अच्छे से भी दिखाएंगे। अभी जो दे रहे थे, जैसे जैसे दे रहे थे वो हम आप लोग को यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। चूड़ी वगैरह सब कुछ लेके आए थे मेरे लिए, मंगलसूत्र एक था, ये सब लेके आए थे। क्या टीका करने वाला है, डिजाइन डिजाइन लेके आए क्या? हाँ किन्ने वाले थे सही में लेकर। नहीं सबके लिए लिया है, तो मिले क्या लाए? पीड़ा लाए थोड़ा सामान, तो तुमने पूछा क्या कर, कल तुम्हें टिफिन का सब्जी दे रही थी। फिर यहाँ पे अगर कोई बाबा धाम से आता है तो इस तरीके से पैर धोया जाता है, तो वहीं यहाँ पे सासू माँ जो है ससुर जी का पैर धो रही थी। फिर यहाँ पे लेके आए थे प्रसाद, वो सब निकाल रहे थे, और बहुत बांटने वाला भी प्रसाद था और बहुत घर के लिए भी था। और घर पे हम लोग ना, मतलब घर पे सबका अलग अलग आता है, हम नहीं लेते अलग, मतलब अगर मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, मेरा इतना नहीं होता। बट मेरे पति देव, मेरी सासू माँ को बहुत ज़्यादा पसंद है ये पेड़ा, तो वो लोग अपना अलग अलग मंगाते हैं कि मतलब हम खा पाए। नहीं तो अगर एक जगह रखा रहेगा तो जिसका मन उतना ख़त्म भी हो जाता है, पता नहीं चलता है। बट ऐसे रहेगा तो अपना जब जब मन करे इंसान खा सकता है। तो मेरे पति देव अपने लिए 3 kg मंगाए थे, 4 kg मंगाए थे, बट 1 kg बांटने में निकल गया, ज़्यादा ही बटा गया। और मेरी सासू माँ का 1 kg था, मेरा भी है, बट देखते हैं हम तो बांट ही देते हैं। तो देख सकते हैं इतना अपना पेड़ा यहाँ पे वो लेने आ गए थे, तो इनका 3 kg था, वहीं यहाँ पे पूछे थे हम तो 4 kg मंगाए थे, तो 1 kg बांटने के लिए मतलब कम हो गया था, तो वहीं बांट पूरा मिला के 10 kg पेड़ा आया हुआ था सबका मिला के, जिसमें बांटने वाला भी था और घर के लिए भी था 5 kg। तो वहीं यहाँ पर देखिए वो देख रहे थे। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी से पतिदेव सारा पैक किए प्रसाद, जो कंपनी लेके जाना था, जो वर्कर्स होते हैं उन लोगों को बांटने के लिए, तो देखिए सारा पैक हो चुका था। और यहाँ पे इतना सारा माला वाला भी था, ये सब बिंदी जो था वो लेके आए थे ससुर जी हम लोगों के लिए, तो बहुत सारा बिंदी था, बहुत ही सुंदर सुंदर बिंदी। तो वहीं यहाँ पे बोले कि जो जो लेगी मतलब हम मेरे लिए वो छांट लो, तो वहीं यहाँ पे हम देख रहे थे कौन कौन सा है, और पतिदेव से भी हेल्प ले रहे थे कि कौन कौन सा अच्छा लगेगा मेरे पे, तो वहीं यहाँ पे देख के और ले लिए। फिर ये लंबा वाला सोच रहे थे कभी ट्राई करे, तो मेरे पतिदेव को लंबा बिंदी नहीं पसंद आता, वो बोल रहे नहीं कोकिला मोदी जैसा लगेगा मतलब वो भी नाम जानते हैं कोकिला मोदी का। फिर ये देखिए ये वाला मंगलसूत्र लेके आए हैं ससुर जी सास बहू के लिए एक जैसा। तो ये मेरे खरगोश को देखिए क्या कर रहे हो, नीचे रखने पे आप लोग को हेलो बोलेगा, कैमरा के पास जाके हेलो बोल दे, हेलो फ्लाइंग किस दे रहा है क्या। चलिए अभी चल के पी लेते हैं दूध, पियेंगे
और क्या हुआ डिलीवरी बॉय के साथ अंकल थे एक, वो सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्योंकि पता है सूट नहीं हो पा रहा है बार बार और बहुत लंबा स्टोरी है, इसलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए छोटा सा ब्लॉग यहाँ शेयर करेंगे, ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड जितना हो सके शेयर करिएगा। बाय बाय।